भीषण भय तात निश्चर कुल भूषण। हे विभीषण तो धन्य है, धन्य है, धन्य है। तीन बार इस शब्द का प्रयोग हुआ। सबसे पहला धन्य शब्द का प्रयोग हुआ। हमारा यह वंश आज धन्य हो गया, जिस वंश में तुम्हारे जैसे विनीत शीलवान भक्त ने जन्म लिया। तुम्हारे जैसे विनीत भक्त का भाई होने के कारण मैं भी धन्य हो गया। और विभीषण तो ऐसे की शरण में है, ऐसे का भजन करता है कि जिसकी शरण में रहने से, जिसका भजन करने से भजन करने वाला धन्य हो जाता है। तीन बार धन्य 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 शब्द का प्रयोग किया। विभीषण जी ने कहा, आपको मैंने प्रणाम किया था आशीर्वाद के लिए और आप मेरी बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई सुन करके यदि मन प्रसन्न हो जाए तो अब आपकी बड़ाई नहीं होगी, अब आपकी बुराई शुरू होगी। यह भी सुन लीजिए, इसीलिए मैंने तो पहले ही सारे बड़ाई के शब्दों को गुरु महाराज को चढ़ा दिया, पहले चढ़ा दिया। मुझे तो उपदेश कुंभकर्ण का है, वचन कर्म मन कपट तजी भजहु राम रणधीर। तो दूसरे को सम्मान देने से, आदर देने से, पूजा करने से, बड़ाई करने से हमारा ही यह सब बढ़ता है। यह गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखलाया है, यह सब करना चाहिए। इसका जिस संस्था में, जिस समाज में, जिस घर में अभाव होने लग जाता है, उस घर में, उस समाज में, उस संस्था में खडमंगल शुरू हो जाता है। घर के लोग भी यदि एक दूसरे का सम्मान नहीं करे, वह घर घर नहीं रह जाएगा, खडमंगल शुरू हो जाएगा। समाज के लोग भी यदि एक दूसरे का सम्मान नहीं करेगा तो समाज में खडमंगल शुरू हो जाएगा। जिस धार्मिक संस्था में, संस्थान में एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को सम्मान नहीं देगा, वह संस्था, वह धर्म संस्थान एक दिन सत्यानाश को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों को धर्म को बचाना है, धार्मिक संस्थानों को बचाना है, समाज को बचाना है और घर को भी बचाना है। जब ये सब बचेंगे तभी तो सत्संग होगा। ये सब बचेंगे ही नहीं तो सत्संग करके क्या होगा? ये सब बचेंगे ही नहीं तो ध्यान बनेगा। जहाँ खडमंगल का वातावरण रहेगा वहाँ ध्यान होगा? कदापि नहीं, वहाँ ध्यान हो ही नहीं सकता है। इन सब से समाज को बचाना है। बिंदु नाद की बात तो बाद में होगी और थोड़ी बहुत होगी। बिंदु और नाद की जड़ में जो घुन लग गया है, हमें तो पहले उस घुन को साफ करना है, उस घुन को खत्म करना है। दो तीन दिन पहले एक आश्रम में मैं गया था, बहुत पुराना आश्रम हमारे गुरु महाराज का, संत में ही लीला मूर्त में उस स्थान का इतना वर्णन मैंने किया जिसका कोई ठिकाना नहीं। बड़ा आदर से मैं उस स्थान पर जाता हूँ। गया, बड़े मुश्किल से तो एक महात्मा मिले। हम महात्मा मिले तो हमसे उम्र में छोटे, मेरे पास बहुत दिनों तक रहा हुआ, लेकिन अब सत्ता में है, सत्ता में है और पैसे भी बहुत हैं।
हमने उनको बंदगी बोला, हमने बंदगी बोला, वो बंदगी पर बंदगी भी नहीं बोला, इतना भीतर में गंदगी है। बंदगी का जवाब बंदगी से नहीं, चुप हो गया। अच्छा कहाँ से आए, कहीं से आए ही तो होंगे, फिर सब जगह घूमे फिरे, एक बार भी मुंह से नहीं कहा कि बाबा बैठ जाइए, पास में आप आए हैं तो वहां काहे रात रुकिएगा, यह तो गुरु महाराज का आश्रम है। साधु तो गुरु महाराज के आश्रम को अपना तीर्थ समझता है, इस तीर्थ में आप विश्राम करिए। हमारा नियम है, हम पहले आयोजक को कह देते हैं हमको बुला रहे हैं तो हमारे लिए ठहरने की तीन ही जगह सुनिश्चित हैं। यदि आपके समाज में सत्संग मंदिर है तो वहाँ ठहराइए, यदि आपके समाज में मंदिर नहीं है स्कूल है तो स्कूल में ठहराइए, स्कूल की भी व्यवस्था नहीं है तो किसी धर्मशाला में ठहराइए, धर्मशाला भी नहीं आपके समाज में तो किसी छायादार पेड़ के नीचे चौकी लगा दीजिए। साधु महात्मा सदगृहस्थों के घर में जा करके घुस करके चौकी पर सोए, छप्पन भोग लगाए, और साधु का कैरेक्टर कभी दुरुस्त नहीं रह सकता है, कभी भी दुरुस्त नहीं रह सकता है। उनको कहना चाहिए था बाबा अपना आश्रम है यहाँ ठहरिए, एक बार नहीं बोला, पानी नहीं पूछा कहाँ से आए हैं पानी एक गिलास। अब भोजन पानी का अभाव है आश्रम में तो भोजन की तो बात ही नहीं हो सकती है, भोजन तक नहीं, रात रहने की बात नहीं। ऐसे आदमी क्या धर्म का प्रचार करेगा, क्या समाज के अंतःकरण को परिवर्तित करेगा। इसीलिए धार्मिक संस्थानों को बचाना हो तो ऐसा बंदा उस संस्थान में निवास करे जिनको दूसरे का आदर करने के लिए आता है, सम्मान करने के लिए आता है, पूजा करने के लिए आता है। ये जिनको नहीं आता है उनका उपदेश कितना भी महान क्यों न हो वह सुनने के लायक नहीं होता है, वह कितना भी ध्यान पर बैठ करके दिखलाए वह कभी भी ध्यान ही नहीं बन सकता है, वह कितना भी सत्संग करके दिखलाए वह सच्चा सत्संगी नहीं हो सकता है, जिसके कारण समाज में नैतिकता का पतन हो जाए वह कभी भी आध्यात्मिकता का उत्थान नहीं कर सकता है। इन सब बातों पर समाज को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब सुनिए रामायण की बात, इतनी बात जब आप सुन लेंगे तब आप रामायण को सुनेंगे, इतनी बात जब तक आप नहीं सुनेंगे, इतनी बातों को जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आप रामायण को क्या समझेंगे, कभी भी नहीं समझेंगे, किसी जन्म में नहीं समझेंगे। महाराज दशरथ ने राम को कहा कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, सुबह होते ही बात बदल गई, वन गमन की बात सामने आ गई। जिस पिता ने राज्याभिषेक की बात की वही पिता वन गमन की बात कर रहे हैं, लेकिन राम अप्रसन्न नहीं हुए, पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, यह है शिष्टाचार। आज के बच्चे होते हैं ऐसे बाप को तो फांसी की तख्त पर चढ़ा देते थे,
लड़ाई हो जाती। यह बाप है, क्षण क्षण में बात को बदलता है, पत्नी की बात पर इतना बड़ा अनर्थ करने के लिए जा रहा है, लेकिन नहीं, बड़े प्रसन्न होकर के वन को गया। माँ को भी कुछ नहीं कहा, कैकेयी को भी कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि कौशल्या से पहले राम ने कैकेयी को चित्रकूट में प्रणाम किया है। यह है रामायण। माता पिता का अनादर करने वाला, माता पिता का कभी सम्मान नहीं करने वाला, संत मत के मंच पर से रामायण की कथा सुनना चाहता है, क्या वह सुनेगा, क्या समझेगा? मध्य प्रदेश में मैं राम की कथा सुनाने के लिए गया था। एक बहुत लंबा तगड़ा नवयुवक मेरे पास आकर कहता है, महाराज जी आप कृपा करके मुझे भरत मिलाप का प्रसंग सुना दीजिए। मैं बड़ा खुश हुआ, यह भरत मिलन का प्रसंग सुनना चाहता है। भरत राम में जो मिलन हुआ है, बड़ा विलक्षण प्रसंग है रामायण, यह सुनना चाहता, बड़ा खुश हुआ। ठीक है, सुनाऊंगा और बहुत विस्तार से सुनाऊंगा। नहीं नहीं मारो, यह नहीं, विस्तार से नहीं सुनाइएगा, उतना समय नहीं मेरे पास। सुनाइएगा भरत राम का मिलन, लेकिन ज्यादा विस्तार से सुनने के लिए समय नहीं। समय क्यों नहीं है? हमको सुनाने के लिए समय, तुमको समय नहीं? हाँ महाराज, कल अदालत में हमारी पेशी है। अदालत में पेशी है, मुकदमा चल रही है। हाँ, किससे मुकदमा चल रही है? तो बड़े भाई से। बड़े भाई से मुकदमा चल रही है, अदालत में पेशी है, और वह मेरे से भरत राम का मिलन प्रसंग सुनना चाहता है। मैंने कहा पहले मुकदमा लड़ ले, फाइनल कर ले मुकदमा को, फिर राम की कथा सुनने के लिए मेरे पास आना। जहाँ पिता पुत्र में इतना बड़ा स्नेह सौहार्द, भाई भाई में इतना स्नेह सौहार्द, यदि राम उस समय कैंडिडेट बन करके इलेक्शन में खड़े हो जाते, तो हमारी उम्मीद है कि दशरथ जी को, भरत जी को एक भी वोट अयोध्या में नहीं मिलता। राम इतने सबके प्यारे थे कि राम को छोड़कर अयोध्या वासी एक भी वोट किसी को नहीं देते, और फिर भी राम भ्रातृ स्नेह को देखते हुए, पितृ मातृ स्नेह को देखते हुए जंगल को स्वीकार किया, लेकिन इलेक्शन नहीं किया। आज रामायण की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और मंच पर से उतरते ही इलेक्शन शुरू है। मंच पर से उतरते हैं इलेक्शन शुरू, और सुनाते हैं मंच पर से राम की कथा, रामायण की कथा। सुनने वाले भी हमारे ऐसे ही हो गए, सुनने वाले भी ऐसे, उनका भी दिमाग सुनते सुनते ऐसा ही हो गया है। वो जवाब नहीं देते, महाराज आप तो मंच पर से उतर कर इलेक्शन लड़ते हो, हमको रामायण की कथा सुना रहे हो। जहाँ भाई भाई में इतना प्रेम, गुरु भाई में इतना प्रेम, जहाँ पिता पुत्र में इतना प्रेम, जहाँ सास बहु में इतना प्रेम, उस रामायण की कथा एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला सुन सकता है और सुना सकता है? कभी संभव नहीं। इन सारी बातों को जब समाज सुनेगा, समझेगा, जीवन में उतारेगा, तब संत मत के मंच पर से व्यासानंद के मुंह से रामायण पाठ सुनेगा और उसकी व्याख्या को भी सुनेगा, तब समझेगा भी।